जिस दिन सेट पे पहुंचा, मेरी जगह कोई और शूट कर रहा था मेरा कैरेक्टर। तो इतना डिमोरलाइज हो गया मैं, घर चला गया, रिलेशन चले गए, सब चला गया, तो किस दौर से मैं गुजरा। आप कितने बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को देखे ना, डिप्रेशन में है। मैं अपनी शर्तों पे जीने वाला आदमी हूँ, मुझे किसी की शर्तें मैम समझ नहीं आती। पुनीत शर्मा एक लंबे समय बाद आए हैं, लेकिन कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाला है और बहुत ही अच्छा मैसेज लेकर आ रहे हैं, हारा नहीं, है ना पुनीत? यस मैम। कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बताइए, ये हारा नहीं, ये पनपा किधर से? मैम इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। बिग बॉस किया मैंने, ओवरनाइट बहुत फेम मिला, उसके बाद काम भी मिला, टीवी सीरियल किया मैंने, उसके बाद वेब सीरीज करी मैंने, उसके बाद मीत ब्रदर्स का एक म्यूज़िक वीडियो भी किया मैंने जी। फिर आ गया कोविड, कोविड आ गया, इंडस्ट्री बंद हो गई जी। बंद होते ही जब कोविड थोड़ा ख़त्म होने लगा, इंडस्ट्री वापस खुली, तो वो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स थे, बड़े एक्टर्स, बड़े फेसेस, उन्हें तो काम मिल गया, और जो बाकी एक्टर्स थे उन्हें काम मिलने लगा, पर प्रोड्यूसर्स की शर्तों पर मिलने लगा। पैसे आधे हो गए, जो जैसे प्रोड्यूसर्स बोलते थे वैसे करना पड़ता था। तो मैम ये ना मुझे थोड़ा कम मंजूर है लाइफ में, मैं अपनी शर्तों पे जीने वाला आदमी हूँ, मुझे किसी की शर्तें मैम समझ नहीं आती। तो उसके बाद मैम ये नहीं था कि काम नहीं मिल रहा था, काम मिला। उसके बाद मैंने एक फिल्म साइन करी जिसके लिए मैंने 6 महीने रिहर्सल करी, 6 महीने बाद वो फिल्म स्क्रैप हो गई, बनी ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। 6 महीने कोई और काम नहीं कर पाया, टाइम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। उसके बाद एक टीवी सीरियल मैंने साइन किया, जिस दिन सेट पे पहुंचा, मेरी जगह कोई और शूट कर रहा था मेरा कैरेक्टर। तो इतना डिमोरलाइज हो गया मैं, कहा यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए। उसके बाद एक और सीरियल मिला, उसमें 7 कैरेक्टर्स थे, हमें 20 दिन रिहर्सल कराई, 20 दिन बाद सातों कैरेक्टर चेंज कर दिए। तो ये जो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए मेरे साथ, तो मैंने सोचा नहीं यार ये तो गलत है, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, झूठ नहीं बोलूँगा, कह यार ये लाइफ की गाड़ी कहाँ जा रही है। तो मैं जब भी परेशान होता हूँ छुट्टी मनाने चला जाता हूँ। हाँ, तो मैं गोवा गया, वहाँ मुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर मिले, उन्होंने मुझे पूछा पुनीत तू क्या कर रहा है आजकल, सो आई सेड आई एम लुकिंग फॉर वर्क। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा है, कोई किसी को काम देता नहीं है, अपने पैसे खुद पे लगा, खुद की पसंद की स्क्रिप्ट ढूंढ, खुद के पसंद का डायरेक्टर ढूंढ, खुद के पसंद का DOP ढूंढ, अच्छा कैमरा ले और खुद को शूट कर और अपनी चीज़ बना। हाँ। तब मैंने सोचा यार ये बात तो समझ आ गई मुझे। तो एक प्रोडक्शन हाउस खोला है हमने, जिसमें मैं हूँ और मानस अभिराम है मेरे पार्टनर जी। और मानस टैलेंटेड लड़का है, बहुत सिंगर भी है, डायरेक्टर भी है, और गिटार भी बजाता है, पियानो भी बजाता है, दीवार भी बजाता है, टेबल भी बजाता है, ज़मीन भी बजाता है, सब बजा देता है वो, मल्टी टैलेंटेड लड़का है। तो मैम उसके साथ मिलके मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला है, और उसका पहला प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं हारा नहीं, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूँ, अभी मैं ज़िंदा हूँ, टाइगर ज़िंदा है जैसे भाई बोलते हैं। तो मैम ऐसा काम हम कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए ये म्यूज़िक वीडियो बनाया है, इसमें बहुत सारा एफर्ट लगा है, पैसे लगे हैं, मेहनत लगी है और सब कुछ लगा है। आई कैन से कि आपकी रियल लाइफ से इंस्पायर है हारा नहीं, जो आपने एक सीक्वेंस बताया ना मुझे। मैम रियल लाइफ से ही एक तरीके से इंस्पायर्ड है। जब एक आर्टिस्ट आउट ऑफ वर्क होता है तो उसके मन में क्या बीतता है, वो किस दौर से गुजरता है, पर उसके अंदर का एक जो आर्टिस्ट है वो कभी नहीं मरता, वो हारता नहीं है। तो यही दिखाना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने बोला कि बहुत इंस्पायरिंग है जो आप जो लेकर आए हैं ना, एक अच्छा मैसेज दे रहा है लोगों को, आपको, आपके फैंस को, या फिर उन आर्टिस्ट को जो सोचते हैं कि अब बचा ही नहीं है कुछ। सो टेल मी अबाउट हारा नहीं, व्हाट इज़ द थिंग, क्या है एग्जैक्टली इस गाने में, और आप कितने अवतार में, स्टाइलिश अंदाज में किस तरह से नज़र आ रहे हैं? मैम पुनीत 2.0 आने वाला है, एक रॉकस्टार के अंदाज में मैं नज़र आने वाला हूँ, और 2 लुक्स हैं, दोनों का कंपैरिजन लोग करेंगे डेफिनेटली। एक लुक है मेरी जब मेरे पास सब कुछ था, और कैसे मेरा अच्छा लाइफस्टाइल, मेरा सब कुछ बढ़िया, और धीरे धीरे इसमें फिक्शन भी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रू है थोड़ा, और धीरे धीरे जब वो सब जाने लगा, फेम जाने लगा, पैसा जाने लगा, घर चला गया, रिलेशन चले गए, सब चला गया, तो किस दौर से मैं गुजरा, और मैं किस कहाँ, मैं एक अच्छे खासे घर से निकल कर एक एक डंजन में जाके मैं रहने लगा, पर मेरे अंदर का आर्टिस्ट नहीं मरा, परफॉर्म मैं वहाँ से भी कर रहा था और परफॉर्म मैं वहाँ से तब भी कर रहा था। तो यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी ज़िंदा हूँ,
और जब तक मैं जिंदा रहूंगा भाई दिखता रहूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। कितना एफर्ट्स लगे इसमें और शूटिंग लोकेशंस एक्सपीरियंस अगर आप थोड़ा बिहाइंड द सीन मुझे बता सकें, बिकॉज जो चीज़ गाने में हम देखेंगे वो तो देखे गए, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड व्हेन कैमरा वाज नॉट ऑन। मैम देखो, मेरा एफर्ट तो इसमें एज एन एक्टर ही है और एज ए प्रोड्यूसर है। बाकी जो हमारी टीम है वॉल्यूम अप की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। सारा यू नो श्रेय उनको ही जाता है, हमारा डायरेक्टर मानस और हमारी टीम के लोग प्रीतम, गौतम, गौरव, तो ये सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। बड़ा ही यू नो मेरे लिए तो बड़ा ही आसान कर दिया इन लोगों ने। मैं सेट पे जाता था, शूट करता था, अपने अंदर के आर्टिस्ट को निकालता था और आ जाता था। बाकी सब बैक एंड इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। घोड़बंदर में हमने शूट किया। अच्छा। हाँ जी, बॉम्बे में ही शूट किया। और पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ना बड़ी जल्दी जल्दी सब कर दिया। एक महीने पहले हमने सोचा था कि हम एक गाना बनाएंगे, एक महीने के बाद मैम देखो ना कल गाना रिलीज़ हो रहा है। तो लाइफ में जो वो टाइम है ना, अब वो वेस्ट करने के लिए बचा नहीं है, जल्दी जल्दी सब काम करना है और अच्छा काम करना है। सो इस काम में एक गाना तो चलिए रिलीज़ हो रहा है और रिलीज़ हो चुका है इनफैक्ट मैं कहूँगी, और क्या क्या चीज़ें जो आप पुनीश का जो कमबैक हुआ है आई कैन से और बहुत अच्छे से हुआ है, तो क्या प्लानिंग्स चल रही हैं? सिर्फ गाना तो होगा नहीं। मैम म्यूज़िक वीडियो प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है ये। ये हमारा यू नो हम इसमें बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, शॉर्ट एंटरटेनमेंट क्लिप्स बनाएंगे, 1.5 मिनट के, 2 मिनट के, 2.5 मिनट के, ऐसे क्लिप्स जिन्हें देख के आपको मज़ा आएगा, जो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए होंगे, रोज़ की कहानियाँ, एक आम इंसान किस यू नो डेली अपनी लाइफ में किस चीज़ों से निकलता है, रियल लोकेशंस में जाकर रियल शूट, रील्स नहीं होंगी, रील नहीं है ये ढंग के कैमरे से शूट करा हुआ ढंग का कॉन्टेंट है। तो हम रियल लोकेशन में जाएंगे, रियल लोगों के साथ शूट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम अपने YouTube चैनल पर डालें और सबको एंटरटेन करते रहें। और ऐसा होगा कि अगर आप देखोगे तो आप दो लोगों को फॉरवर्ड ज़रूर करोगे। उस तरीके का कंटेंट हम मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। कॉमेडी भी होगी, ऐसा नहीं है, थ्रिलर भी होगा, सब होगा, पर देख के लगेगा एक बारी को कि यार ये क्या है। जो आजकल के मुद्दे हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे, इंडस्ट्री को हाईलाइट करेंगे, हर चीज़ बिना डरे। मैम बिना डरे, डरना ही नहीं है लाइफ में, बस किसी से नहीं डरना और हारना नहीं है और ऐसे ही काम करते रहना है। और एक बात है जो अभी रिसेंटली ही हमने सोची है टीम के साथ बैठ के, कि हम अपना एक रियलिटी शो भी लाएंगे खुद का जी, वो भी आम आदमियों के लिए होगा, उसमें कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं होंगे, आम जनता, देसी लोग, ज़मीन से जुड़े हुए, रूट्स से जुड़े हुए लोग, उनका एक रियलिटी शो लाएंगे हम लोग। और नहीं मैम बिग बॉस टाइप नहीं, डिफरेंट होगा, कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा, पर कोशिश हमारी ये रहेगी कि उन आम जनता के लिए कुछ लाया जाए। कोई नहीं, कोई प्लेटफॉर्म अगर देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो यूट्यूब जिंदाबाद मैम, डाल दूंगा उस पर। आजकल प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं, होते हैं, नहीं देंगे कहीं और नया शो है, मत दो भाई, नहीं चाहिए। किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। आप पुनीश अगर बात करें लाइफ की, तो आपका पहला ब्रेक जो आपको याद होगा? मैम फर्स्ट एवर ब्रेक तो देखो मुझे एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था मेडीटेक, आज भी है, जो रियलिटी शोज बनाते थे, तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था और वो ब्रेक था 2008 में। अच्छा, 2008 में एक रियलिटी शो दिया था उन्होंने मुझे जिसका नाम था सरकार की दुनिया। 4.5 महीने एक आइलैंड पे रहे थे मैम हम, 18 कंटेस्टेंट। अच्छा। ये बिग बॉस मैम उसके आगे कुछ भी नहीं है। आई मीन जो टास्क थे और जितना फिजिकल वो शो था, फिजिकल भी और मेंटल भी, तो ये बाकी रियलिटी शोज आज भी उसके आगे कुछ नहीं है, बिलीव मी। उस शो ने मुझे ट्रेन कर दिया बिग बॉस के लिए, तो हाँ, और वो शो में जीत भी गया मैम, और उसमें मैं 1 करोड़ रुपए जीता था 2008 में। बच्चा था, छोटा था मैं, और छोटेपन में 1 करोड़ रुपए आ गए थे, तो अकल भी नहीं थी कि इनको खर्च कैसे करना है, तो अपने लिए एक गाड़ी खरीद ली थी मैंने। अच्छा। मेरी दिल्ली में शायद सेकंड ऑडी थी मेरे पास, तो मैंने उन पैसों से वो गाड़ी खरीद ली, मैं इतना पागल था। पर अच्छा था, वो पहला ब्रेक था। उसके बाद मैं अपने डैड का एक ही बेटा हूँ और अच्छा खासा मेरे डैड का बिज़नेस है दिल्ली में, तो काफ़ी फैला हुआ है, तो मैम उनको ये लगा कि ये तो गया इंडस्ट्री में, तो अब ये सब कौन देखेगा। तो मेरे कई रिलेटिव्स हैं बॉम्बे में,
तो मेरे डैड ने उनसे सेटिंग करके मुझे डरा दिया। अच्छा। हाँ, कि इंडस्ट्री तो बहुत बेकार है, नहीं जाना, बॉम्बे नहीं जाना, और ये सब कौन करेगा, फलाना ढिमका। तो मैंने उनकी बात मान ली मैम, और 11 साल तक बिल्डिंगें बनाता रहा। मैंने टॉलेस्ट बिल्डिंग जो बनाई है वो 68 या 69 फ्लोर्स की बनाई है खुद। तो मैम उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक मैंने एक नाइट क्लब भी छोटा सा खोला दिल्ली में, जो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो एक जानते मुझे सब थे दिल्ली में, मैं काफ़ी एक फेमस इंसान हूँ। तो मैम मुझे बिग बॉस ऑफ़र हुआ, और जब वो ऑफ़र हुआ उसके बाद मैम लाइफ ही पलट गई, चेंज हो गया सब कुछ। घर वालों ने बोलना बंद कर दिया, उनको लगा कि ये तो डेस्टिनी है इसकी। अच्छा। ये तो बना ही बॉम्बे के लिए है। तो वो जो डरा रहे थे कुछ साल पहले कि नहीं जाना, खुद ही भेज रहे हैं जाओ। और बिग बॉस के बाद मैम काम मिलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं था कि नहीं मिला, सीरियल मिला, 1.5 साल सीरियल किया, उसके बाद वेब सीरीज शूट करी, उसके बाद करते रहे। फिर कोविड आ गया मैम, कोविड आ गया तो सब कुछ नीचे जाने लगा। नीचे चीज़ें एक्चुअली क्या है, ये रियलिटी शो की प्रॉब्लम है कि आपको ओवरनाइट फेम दे देती है। उसके बाद जब अगला सीज़न आता है उस शो का, तो जो नए वाले कंटेस्टेंट्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, और आपकी पॉपुलैरिटी गिरने लगती है। तो जब वो गिरने लगती है ना, तो बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट फेज़ है। आप कितने बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को देखें ना, डिप्रेशन में है। मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा पर्सनली, पर हाँ, लोग उस घर से सालों तक नहीं निकल पाते, मेंटली नहीं निकल पाते, वहीं रहते हैं। लेकिन आपका एक अच्छा, आई मीन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पुनीत शर्मा को लोग जानते हैं, ऐसा हाँ, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी मैम, वो तो मैं रोड पे भी जाता हूँ तो लोग मुझे जानते ही हैं ना। पर वो तो बिग बॉस की देन है। पर ये है, लाइफ में कभी भी अगर मैं बड़े से बड़ा भी काम कर लूँगा तो बिग बॉस वाला पुनीत के नाम से ही जाना जाऊँगा, ये तो है। बट हाउ डू यू सी दैट, कि बिग बॉस वाला पुनीश के नाम से जाना जाने ना? नथिंग बैड मैम, भाई का शो है, क्या दिक्कत है? सलमान भाई के साथ के नाम जुड़ रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में मुझे? कोई दिक्कत नहीं है मैम इसमें। बिग बॉस वाला पुनीश ठीक है, बिग बॉस अच्छा नाम है ना, बिग बॉस दोनों अच्छे वर्ड हैं। सो अभी जो बिग बॉस चल रहे हैं, आपने 11 किया था, और अभी तो चलिए बहुत सारे OTT पे भी आ गया है, ब्रॉडकास्ट तो है ही, हाउ डू सी लाइक जो क्रेज हो गया है ना, और यू नो ऐसे फैन फॉलोइंग, फैंस पहुंच जाते हैं फिनाले के दिन, बहुत बहुत बड़ा क्रेज़ हो गया है अब तो, और इस तरह से सपोर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट करती हैं अगर रिलेटेड है तो, अगर मैं एलविश यादव की बात करूं एंड एवरीथिंग। सो आप एज अ थर्ड पर्सन और एक्सपीरियंस्ड, हाउ डू सी दैट? मैम अच्छा भी है बुरा भी है, अच्छा भी है बुरा भी है। अब देखो ना, पॉलिटिकल पार्टीज तक सपोर्ट कर रही हैं शो को, तो ऑब्वियसली बड़ा तो शो हो ही गया है। पहले सिर्फ कलर्स पे आता था, अब OTT पे भी आने लग गया, तो मतलब कितने पैसे कमाने हैं भाई ये बता दो मुझे, बिग बॉस क्या चाहते हो? कितने कितने मतलब, बस मुझे ऐसा लगता है कि जब एक चीज़ की अति हो जाती है ना, तो उसका चार्म कम होने लगता है, बढ़ता नहीं है, ये पक्का है। जो इंसान जब पहली रोटी खाता है वो सब बहुत टेस्टी लगती है, दूसरी खाता है ना तो स्वाद थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आप इसको पूरे साल ही दिखाओगे, तो मुझे लगता है आने वाले 5-6 साल में इंडस्ट्री का हर बंदा बोल चुका होगा कि मैंने तो बिग बॉस कर लिया। बंदे भी तो चाहिए होंगे ना इनको, 12, 14, 18 कंटेस्टेंट ही OTT में लाएंगे, उसके बाद इतने ही ये लोग वाइल्ड कार्ड भी हो जाते हैं, मतलब क्या इतना। तो वो पूरे साल चलेगा तो मुझे लगता है कुछ टाइम में क्रेज़ कम हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। जैसे अभी बड़ी बात है, आपने बिग बॉस किया, इट इज़ अ बिग थिंग, और वो कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने किया। अब आप भीड़ जमा करके अब बचाओगे तो आए, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी गेम रह जाएगी थोड़े टाइम बाद। इस बार आपने फॉलो किया? हाँ जी, मैं हर बार फॉलो करता हूँ, फर्स्ट सीजन से लेके आज तक हर एपिसोड देखा है, फेवरेट शो है मैम मेरा। इट्स नाइस। सो नाउ तो अब तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा, वो भी विनिंग मोमेंट का। व्हाट डू यू थिंक मैम? डिजर्विंग विनर एलविश यादव इज अ डिजर्विंग विनर। वाइल्ड कार्ड नहीं जीतेगा, ये बहुत ही बेकार की बात है, सॉरी। वाइल्ड कार्ड को बड़ी मेहनत लगती है आने में, जैसे वो शादी नहीं होती है, और शादी करके एक लड़की जाती है अपने पति के घर पे, तो वहाँ तो सब कुछ सिस्टम सेट होता है ना, वो बेचारी को जाके वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है बात इस मतलब। तो इसी तरह एक वाइल्ड कार्ड है, उसको जाके चलते हुए घर में एडजस्ट करना, अपनी पावर दिखाना, और एक ओवर पावर करना लोगों को, और अपनी बातें रखना, बड़ा मुश्किल है। क्यों ना जीते वाइल्ड कार्ड, बिल्कुल जीतना चाहिए, और जीत गया। और बिग बॉस को भी कुछ अलग तो करना होता ही है ना,
इस बार वाइल्ड कार्ड को जिताओ। तो अक्सर कपल निकलते हैं बिग बॉस हाउस से। निकलते हैं मैम, निकलते हैं ना, हम भी थे, करेक्ट। इस बार कौन सा आपको एकदम, आप लोग आई मीन एक जो चला रिश्ता चले और आगे बढ़े, कौन सा कपल आपको दिखता है ओटीटी में? मैम इस बार तो कोई कपल है ही नहीं। कौन कपल? वैसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। क्या हुआ? मुझे नहीं लगा। वो क्यूट सी फ्लर्टिंग होती थी, वो मनीषा रानी करती थी, मेरे को बड़ी पसंद है वो। अच्छा। हाँ अच्छी है, मुझे उसका एंटरटेनमेंट फैक्टर टॉप लगता है मैम। बहुत अच्छी एंटरटेनर है वो, उसको पता है कब कहाँ फुटेज खानी है, कब। जो फ्लर्ट भी करती है वो बिल्कुल चीप नहीं दिखता, वो बहुत क्यूट और बहुत एंटरटेनिंग है, मुझे पसंद है वो। पर कोई कपल तो है ही नहीं इस बार ही ओटीटी में। पिछली बार ही था शमिता एंड राकेश कोई। हाँ हाँ वो और भी थे, मेजरली तो वही दिखे। हाँ अच्छा ये बताइए, ये आप अब सिंगल कैसे हो गए? कैसे हो गए मैम, ब्रेकअप हो गया तो सिंगल हो गया। वही तो, मतलब लोग इतने उदास हैं, कुछ कुछ खुश भी होंगे आई एम श्योर, लड़कियां खुश होंगी कि पुनीश इज नाउ सिंगल, बट जो आपके जो फैंस हैं जो आपको और बंदी को साथ में देखना चाहते थे वो तो थोड़े उदास हैं। मैम अब फैंस को तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भैया तुम्हारी खुशी के लिए मैं जिंदगी भर तो कुछ नहीं कर सकता ना, तो ये पर्सनल लाइफ भी तो मेरी कोई चीज़ है। तो मैम हो जाता है ब्रेकअप, सबका होता है। मैं थोड़ा फेमस हूँ तो मेरा अखबार में आ जाता है, बाकी क्या। सी बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर और लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके लिंकअप से भी इंस्पायर होते हैं, बुरा भी फील होता है, ब्रेकअप से भी होते हैं, दोनों होते हैं। जिनको आपको सिंगल देखना रहेगा उनका लिंकअप पसंद नहीं आएगा। अरे बड़ी खुश है मैम, रोज आ रहे हैं मैसेजेस, सबको जवाब देता हूँ, किसी का मन नहीं मारता। चलो सच्ची सच्ची बताओ क्या मैसेज आते हैं? मैम वही आते हैं, दो चार लोग आई लव यू करते रहते हैं, मैं भी उनको बोल देता हूँ थैंक यू। थैंक यू नो रिप्लाई। थैंक यू बोलता हूँ मैम, रिप्लाई इतना अच्छा, कोई आपको आई लव यू बोलेगा आप उसको थैंक यू बोलो, और क्या मैं क्या बोलूँ, आई लव यू टू, नो आई डोंट। मैं तो पूछ रही हूँ। हाँ बट इफ आई वुड लाइक टू नो कि व्हाई डिड इट हैपन, लाइक एक अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था और इतने सालों से, इट्स नॉट दैट कि छः महीना हुआ, लाइक आपने शमिता और राकेश का थोड़े दिन के लिए था, डिक्लेयर कर दिया दोनों ने कि हम साथ में नहीं है, बट आप लोगों का काफ़ी अच्छा था और एक जो कपल दिखता था ना वो दिखता था। मैम कोई देखो कोई स्पेसिफिक ऐसा कारण तो है नहीं कि भैया कोई बड़ी बात हो गई हो और हमने एक दूसरे को छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, कि किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी हम लोग दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए खड़े हैं, मुझे पक्का पता है कि मुझे कभी भी ज़रूरत होगी तो बंदगी हमेशा मेरे लिए करिए, और बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही सेल्फ मेड लड़की है, उसे आई थिंक मेरी ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं, पर अगर पड़ेगी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। और कोई स्पेसिफिक रीज़न अगर मैं देना चाहूँ तो वो है नहीं। आई वाज रीडिंग समवेयर कि इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस दैट। मैम मैं अब दिल्ली रहता हूँ मोस्टली, मेरा प्रोडक्शन हाउस यहाँ है, मेरा पार्टनर है मानस, बहुत टैलेंटेड है वो हैंडल, वो बड़ा केपेबल है इसको हैंडल करने के लिए। मेरा तो काम तब है जब कोई फाइनल डिसीजन लेने हैं और एज एन एक्टर मेरी उसको ज़रूरत है तब मैं आ जाऊँगा। मैं मेरा बेस अब दिल्ली में है, मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, माई डैड इज 66, माई मॉम इज 63। पोस्ट कोविड मुझे बहुत डर लगा है, मेरे बहुत रिलेटिव्स मर गए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। जितना टाइम बचा है लाइफ में मॉम डैड के साथ स्पेंड करो, फैमिली के साथ रहो, बहुत अकेला रह लिया 5 साल तक यहाँ रहा हूँ, और मैम थोड़ा काम भी है जो मेरा असली काम है, कंस्ट्रक्शन है, सालों से चल रहा है और घर उसी से चलता है। इस एक्टिंग से भी तो शौक है मैम, ये क्या ही पैसे दे देंगे मुझे इंडस्ट्री वाले, जो मैं वहाँ से कमाता हूँ वो मेरी एक अलग मेरा वो है, और मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं लाइफ में, तो मैम वो वहीं से पूरे होंगे, यहाँ तो नहीं होने वाला ऐसा। तो मैम इसलिए मैं दिल्ली मूव कर गया हूँ पिछले 6 महीने से, और वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे नहीं लगता आगे जाके सक्सेसफुल होगा, तो आधा मन यहाँ पड़ा रहे मैम, आधा मन वहाँ पड़ा रहे, तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, तो दैट्स व्हाई। वाज इट रियली टफ बिकॉज आई हैव हर्ड लाइक मेनी ब्रेकअप्स, उसके बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बट ये म्यूचुअल डिसीजन है, हमें पता है, आप लोगों ने शेयर भी किया था, बट हाउ वाज इट आफ्टर दैट एंड? डिप्रेशन तो देखो अब मुझे होता नहीं है, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना चुका हूँ और मैं अपने दिमाग को ना ट्रेन कर चुका हूँ बहुत अच्छी तरह। मैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता और मैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होता। आई हैव लर्न दिस, कोई फ़ायदा नहीं है अपने आप को परेशान करके। जब मुझे तकलीफ़ होती है, इंसान हूँ सबको होती है, तो मैं अपना ध्यान दूसरी चीज़ पे लगा देता हूँ। ओके।
अब आप बोलोगे अरे तेरा ब्रेकअप हो गया तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ेगा, सबको पड़ता है, 5 साल कम नहीं होते। तो मैंने अपना प्रोडक्शन खोल दिया, अब मेरा ध्यान यहाँ है, अब मेरा ध्यान यहाँ है मैम, तो मैं अपने आप को डाइवर्ट कर लेता हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार दिक्कत हो रही है, तो मैं ये सोच लेता हूँ मैम हारना नहीं है इसके लिए, तो हारा नहीं आ रहा है, हारा नहीं। अच्छा, आप इतना अच्छा सेटअप कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो आपने मुझे प्लान्स बताए अपने प्रोडक्शन हाउस के, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छे हैं। इन फ्यूचर आप जो आपने शेयर किया कि फेसेस रिप्लेस कर दिए गए, इतने महीने हमने प्रैक्टिस, इतने दिन प्रैक्टिस की, शो स्क्रैप हो गया, पता ही नहीं चला, सारे फेस रिप्लेस हो गए, कभी उनसे मुलाकात हुई, और पुनीश शर्मा एज ए प्रोड्यूसर, तो कभी दिल में ऐसा खटास रहेगा उनके लिए? मैम टाइम नहीं है अब लाइफ में बर्बाद करने के लिए लोगों पे, कोई खटास नहीं है मैम किसी के लिए, नथिंग, कोई किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ठीक है, डेस्टिनी है मैम मेरी, मुझे नहीं मिलना होगा, नहीं मिला, कोशिश करना, मेहनत करना मेरा काम है, अगर उसका रिजल्ट नहीं आता तो सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता उस बारे में, तो ठीक है, बैड वाइब किसी से क्यों रखनी है। एज एन एक्टर मुझे मुझे खुशी तब होगी जब वो ये कहें कि पुनीश एज एन एक्टर आ और काम कर, एज ए प्रोड्यूसर तो मैम अपने पैसे के दम पे बन रहा हूँ ना जी। उसमें क्या बड़ी बात है, एज एन एक्टर मुझे लें तो मैं मानूँ कि हाँ मेरे में दम है। एक बात तो है, कुछ भी हो लेकिन आप बिंदास बहुत है। मैम डरना आता नहीं है, जो मन में आता है मैम, ये कनेक्शन ना थोड़ा वो है, सीधा निकल जाता है मुंह से। सही है ना, पीठ पीछे क्यों बोलना, आप जो बोलना है सामने बोलना है, और वो आप कर रहे हैं। यस, यही मेरा काम है और मैं ऐसे ही रहूंगा। ओके पुनीश, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे, स्पेशली फॉर हारा नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों की वजह से ही ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे इतने आप लोग मैसेज करते हो, डीएम करते हो कि आप कहाँ हो, कहाँ खो गए, तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ हारा नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से हम इसको चलाएंगे, चाहे उस पर 2 व्यू आए, चाहे 2 करोड़ आए, मैं उसको बूस्ट नहीं करूँगा, और आपके प्यार पे डिपेंड करता है, और अगर पसंद ना आए तो सॉरी, गलती इंसान से होती है, एंड मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, क्योंकि यार बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ मैं यार उसमें, बहुत ही, मतलब मेरी बात ही अलग है ब्रो।